संकट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान के सभी विधायकों से चर्चा की। सभी विधायकों ने सीएम गहलोत को अपने अपने क्षेत्रों की स्थिति के बारे में अवगत करवाया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डिप्टी सीएम सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, भाजपा कांग्रेस के सभी विधायकों से कोरोना समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रदेश का पूरा मंत्रिमंडल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद रहा। इस बैठक में सीपीएम, आरएलपी, पीटीपी के सभी विधायक मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वीसी में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी भी जुड़े हैं। सीपी जोशी ने सीएम को इस पहल पर धन्यवाद दिया। सीपी जोशी ने कहा कि नेताओं की जिम्मेदारी है कि लोगों के मन से डर निकाले, सावधानी जरूर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क बिना काम नहीं चलेगा। राज्य में एक भी मरीज वेंटिलेटर पर नहीं है। सीएम गहलोत की वीसी में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री गहलोत के प्रयासों की तारीफ करते हुए कटारिया ने कुछ सवाल भी उठाए। कटारिया ने कहा कि निचले स्तर तक की मॉनिटरिंग की जाए, नीचे के अफसर ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, हमें डिटेल दी जाए ताकि संतुष्टि हो सके। तो चलिए, इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज जी, अगर बात करें, ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है ये अब तक की सबसे लंबी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी और कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो इसमें जुड़े हैं। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि हमें जिस तरह से मुख्यमंत्री जी बैठे हैं और लगातार सभी विधायकों, सांसदों, तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनके सुझाव मांग रहे हैं, और साथ में उनको जो परेशानी आ रही है जी, जनता को जिस तरह के उनके सुझाव मिल रहे हैं, उन तमाम बातों पर बात कर रहे हैं, उनके सुझावों पर त्वरित एक्शन भी लेने की बात कर रहे हैं, तो वाकई बड़ी बात है। और सभी ने, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे उपनेता राजेंद्र राठौड़ हो, गुलाब चंद कटारिया जी हो, जो अन्य दूसरी पार्टियों के विधायक हैं, बीटीपी के हों चाहे आरएलडी के हों, तमाम लोगों ने मुख्यमंत्री जी की इस पहल का स्वागत किया है। और उनका कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी पहल की है और उन तमाम लोगों को अपनी बात रखने का अवसर मिल रहा है मुख्यमंत्री के सामने, जिससे कि जो कोरोना के संकट के दौरान जो परेशानी आ रही है इलाके में, जो जिस तरह की लोगों को समस्याएं आ रही है, उनका समाधान हो सके। और मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि जो भी समस्याएं हैं, वो चाहे प्रवासी राजस्थानियों को लाने की बात हो, तो उन्होंने सभी विधायकों, सांसदों से कहा कि वो अपने अपने जिले की लिस्ट बनाकर भेज दें, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दे दें, ताकि उनको सही तरीके से लाया जा सके, कुछ ट्रेनें अलग से लगाई जा सके, बसों की व्यवस्था की जा सके, जिससे कि जो परेशानी आ रही है वो उससे निजात मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने सभी से सहयोग मांगा है और कहा है कि ये कोरोना की जो संकट की घड़ी है, इसको सब मिलकर लड़ेंगे, तभी जाकर सफलता मिलेगी। और जिस तरह से गुलाब चंद कटारिया जी ने उनको भरोसा दिलाया कि हम बिल्कुल सरकार के साथ है, सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसके साथ है, और हम चाहते हैं कि जो अब आरोप प्रत्यारोप का दौर था वो खत्म हो जाना चाहिए। जो सबसे बड़ी बात है कि अमित, जो लग रहा था लगातार कुछ दिनों से, राजनीतिक पार्टियों के विधायक आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप छींटाकशी जो कर रहे थे, कटारिया जी ने भरोसा दिलवाया कि वो चाहते हैं कि अब ये विराम लग जाना चाहिए, क्योंकि अभी समय सिर्फ और सिर्फ कोरोना से लड़ने का है। जी, चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया नीरज जी आपका। तो हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा ये हमें ताज़ा अपडेट दे रहे थे कि इस विषय में क्या कुछ रहा और किन किन बातों को लेकर इसमें चर्चा हुई है, खासतौर से कोरोना को लेकर इसमें रणनीति तय की गई है, विधायकों से उनसे सुझाव लिए गए। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। राजस्थान